दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे ये सवाल करना चाहता हूँ कि आपकी डेजिग्नेशन क्या है। क्या आप ग्राफिक डिज़ाइनर हो, लोगो डिज़ाइनर हो, विजुअल डिज़ाइनर हो, प्रोडक्शन डिज़ाइनर हो, मल्टीमीडिया डिज़ाइनर हो, सीनियर लेआउट डिज़ाइनर हो, चीफ डिज़ाइनर हो, एग्जैक्टली आपकी डेजिग्नेशन है क्या? दोस्तों, इन सारे डेजिग्नेशन के कन्फ्यूजन में आपको नहीं पड़ना है, क्योंकि इंडिया में अलग अलग कंपनीज में अलग अलग डेजिग्नेशंस होते हैं, बट बेसिकली जॉब के जो प्रोफाइल्स होते हैं, रोल या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होते हैं, वो सिमिलर ही होते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में हम देखेंगे कि अगर आप ग्राफिक डिज़ाइन के करियर प्लान कर रहे हो या ऑलरेडी ग्राफिक डिज़ाइनर हो, तो किस तरीके से आप इस फील्ड में आगे बढ़ सकते हो और अपना जो करियर है वो प्लान कर सकते हो। दोस्तों, आप देख रहे हो इंडिया UIUX। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें और इस बेल नोटिफिकेशन को भी ज़रूर क्लिक करें, ताकि मेरे आने वाले वीडियोज़ के बारे में आपको पता चलता रहे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, ग्राफिक डिज़ाइनर जिस तरह के कंपनीज़ में काम करता है, वो होते हैं ग्राफिक डिज़ाइन की कंपनीज, वेब डिज़ाइन की कंपनीज, एड एजेंसीज हो गए या क्रिएटिव के स्टूडियोज़ हो गए, प्रोडक्शन हाउसेस हो गए, एनिमेशन स्टूडियोज़ हो गए या आईटी कंपनीज। बट जो बहुत ही कॉमन और बेसिक चीज़ें किसी भी ग्राफिक डिज़ाइनर में होना चाहिए, वो है डिज़ाइन की नॉलेज, और इम्पॉर्टेंट हो कि वो क्रिएटिव थिंकर हो, उसे बेसिक टाइपोग्राफी का नॉलेज हो, कलर्स का, स्पेस का नॉलेज हो, और वो लेटेस्ट ट्रेंड्स और टेक्नोलॉजीज़ के बारे में डेफिनेटली जानता हो। तो ये सारी कॉमन चीज़ें तो होनी चाहिए, बट इसके अलावा जैसे अगर आप ग्राफिक डिज़ाइनर के करियर प्लान कर रहे हो, तो धीरे धीरे आपको कुछ और चीज़ों में भी डेवलप होना पड़ेगा, जैसे कि आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स है, उसके ऊपर आपको काम करना पड़ेगा। ये ज़रूरी नहीं है कि ग्राफिक डिज़ाइन के करियर के शुरुआत में उसे इंग्लिश बोलने आना चाहिए, धीरे धीरे जब वो काम करेगा उसको अपने इंग्लिश पर भी काम करना पड़ेगा और वो अपना कम्युनिकेशन स्किल्स जो है इम्प्रूव कर सकता है। प्लस क्लाइंट के और कस्टमर के बिजनेस गोल्स को समझना, फिर उनके प्रॉब्लम सॉल्विंग की स्किल्स आपके पास होने चाहिए कि किसी तरह का प्रॉब्लम हो आप किस तरीके से उसको सॉल्व करोगे, और मल्टीटास्किंग भी आपको आना चाहिए, यानी एक वक्त में आप कितने सारे काम कर सकते हो। क्लाइंट को हैंडल करना है, डिज़ाइन बनाना है, वेंडर के साथ मैनेजमेंट करना है, टीम को हैंडल करना है, तो जो बंदा एक साथ ये सारी चीज़ें कर सकता है वही इस फील्ड में ज़्यादातर सर्वाइव कर सकेगा। तो दोस्तों, चलिए आगे देखते हैं कि ग्राफिक डिज़ाइन के करियर पाथ कैसे प्लान करें। यहाँ पे मैंने एक सीख बार के थ्रू कोशिश की है ये समझाने की कि अगर आपने करियर शुरू किया है ग्राफिक डिज़ाइन में, तो 2 साल 4 साल 6 साल 8 साल 10 साल के एक्सपीरियंस के बाद आप कौन से पोजीशन पे जाते हो, आपकी डेजिग्नेशन क्या होनी चाहिए और आप किस तरीके से इस पर प्रीपेयर कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं। तो जब आप करियर शुरू करते हो ग्राफिक डिज़ाइन में, आप ऐसे ज्वाइन होते हो जूनियर ग्राफिक डिज़ाइनर या एसोसिएट या असिस्टेंट ग्राफिक डिज़ाइनर। इसमें जो है आपने कोर्स किया होता है। जब आप पहले जॉब करते हो तो आपको बेसिकली छोटे छोटे काम दिए जाते हैं, जैसे कि प्रोमोशनल बैनर्स बनाना, पोस्टर्स बनाना, प्रिंट के डिज़ाइन, लोगो डिज़ाइन, पैम्पलेट्स हो गए, मार्केटिंग के कोलैटरल्स हो गए, मल्टीमीडिया डिज़ाइन हो गए, विजिटिंग कार्ड बनाना, ग्रीटिंग कार्ड बनाना, ये जो है आप बेसिकली फोटोशॉप या इलस्ट्रेटर या कोरल ड्रॉ जैसे सॉफ्टवेयर में बनाते हो और आप एक्सपीरियंस लेते हो। पर यहाँ पर जो है मैं कंसिडर कर रहा हूँ, आपको बिल्कुल एक्सपीरियंस ही नहीं से लेकर 2 साल तक, यानी आप 1 साल 2 साल तक जो है इसमें एक्सपर्ट बन सकते हो, काम कर सकते हो, ताकि आप ज्यादा से ज्यादा क्रिएटिव वर्क कर सको और अपना प्रोफेशनल एक्सपीरियंस ज्यादा बढ़ा सको। उसके बाद जब आप आगे बढ़ोगे तो आप 2 से 4 साल के एक्सपीरियंस में सीनियर ग्राफिक डिज़ाइनर या असिस्टेंट डिज़ाइन मैनेजर या एसोसिएट डिज़ाइन मैनेजर के रोल पे आप काम करते हो। यहाँ पर जूनियर ग्राफिक डिज़ाइनर रोल्स के एक्सपीरियंस के अलावा आपको स्कैम डिज़ाइन करने आना चाहिए। स्कैम डिज़ाइन यानी आप बता देते हो, पेपर पे दिखाते हो कि ये प्रोडक्ट या डिज़ाइन किस तरह से दिखेगा, या सोशल नेटवर्क के डिज़ाइन या फेसबुक ट्विटर लिंक्डइन पे आप किस तरह से बैनर प्रमोशनल बैनर्स रन करते हो, उनके ग्राफिक्स क्रिएट करना, स्टोरी बोर्ड पूरा प्रोसेस बनाना, प्रोडक्ट के वायर फ्रेम्स डिज़ाइन करना या एग्जीबिशन के डिज़ाइन। तो ये सारी एडिशनल चीज़ें होती हैं जो आप एक्सपीरियंस लेते रहते हो, और 4 साल पहुंचते-पहुंचते आप सीनियर ग्राफिक डिजाइनर या असिस्टेंट डिजाइन मैनेजर का रोल कर सकते हो। अब आगे बढ़ोगे तो डिजाइन मैनेजर या असिस्टेंट आर्ट डायरेक्टर का रोल आप कर रहे होगे, आपको कम से कम 4 से 6 साल का बीच का एक्सपीरियंस होगा, जिसमें आप ग्राफिक डिजाइनर के प्रीवियस रोल के साथ साथ टीम मैनेज करोगे। यहाँ पे जो है आप प्रोजेक्ट के साथ साथ टीम भी मैनेज करोगे, टीम में कौन कैसे काम कर रहा है, किसको क्या काम देना है, उनको मेंटोर कैसे करना है, उनको लीडरशिप आप कैसे अब दिखाओगे, और जो दूसरे वेंडर होंगे उनको आप कैसे मैनेज करोगे। आप जो है एक वन मैन कम्युनिकेटर जैसा काम करोगे। प्रोजेक्ट के किसी तरह का भी कोई प्रॉब्लम है जो आप ही हो जो कम्युनिकेट करोगे, आपको ऑनलाइन ऑफलाइन क्या ट्रेंड्स और टेक्नोलॉजी चल रही है उनका भी नॉलेज होगा, और आप प्रेजेंटेशंस बनाओगे स्टार्टअप्स के लिए, कॉर्पोरेट्स के प्रेजेंटेशंस। तो ये सारे एक्सपीरियंस आप लोगे जब आप 6 साल तक पहुंच जाओगे डिज़ाइन मैनेजर और असिस्टेंट आर्ट डायरेक्टर के रोल पे।
जब आप आगे बढ़ोगे तो आप आर्ट डायरेक्टर या क्रिएटिव आर्ट डायरेक्टर या सीनियर विजुअलाइजर का रोल प्ले करते हो, जब कम से कम आपको 7 साल 8 साल या 8.5 साल का एक्सपीरियंस हो जाता है, तब आप जो है किसी भी प्रोडक्ट के या प्रोजेक्ट के कॉन्सेप्ट से एग्जीक्यूशन, यानी आपको एक आइडिया मिला है उसको पूरा बनाने तक, एग्जीक्यूट करने तक जो है आपका रोल होगा। उसमें कॉपी राइटिंग के काम आ गई, आपको एड के कैंपेन्स रन करने हैं, मार्केटिंग टीम के साथ बैठ के डिस्कस करना है सारी चीज़ें, ब्रांड कौन सा है, किस तरह का ब्रांड है, क्या दिखाना चाहते हैं ब्रांड के थ्रू, क्या मैसेज आप यूज़र्स को दोगे, इस तरह के ब्रांड की स्ट्रैटेजीज प्लान करनी पड़ेगी, सारे डिज़ाइंस या वर्क या स्केड्यूल पे होना चाहिए, सारे डेडलाइंस मीट होने चाहिए। एड इंडस्ट्री का भी आपको नॉलेज होगा बाय दैट टाइम, क्योंकि आप अच्छे खासे 8 साल का एक्सपीरियंस हो गया होगा, तो आप आर्ट डायरेक्टर का भी रोल यहाँ पे 8 साल के होते होते प्लान कर सकते हो और कर सकते हो। उसके बाद जो होता है वो होता है चीफ क्रिएटिव ऑफिसर, जो बेसिकली 10 साल या 10 साल से ज़्यादा का एक्सपीरियंस होता है जिसे, तो प्रीवियस सारे एक्सपीरियंस के साथ वो क्लाइंट को कंसल्टेशन देता है, जैसे कि क्लाइंट के प्रोडक्ट को समझना, उनको प्रॉब्लम सॉल्विंग सॉल्यूशंस देना, बजट जो होता है वो प्लान करेगा, प्रोडक्शन सपोर्ट देगा, क्लाइंट को प्रेजेंटेशंस देके बताएगा कि किस तरह का काम आप करते हो, किस तरह का सर्विस आप देते हो। आप अपने ऑफिस के अकाउंट मैनेजर के साथ बैठ के कॉस्टिंग डील करते हो कि क्लाइंट को कितना चार्ज करना है, कैसे चार्ज करना है, कितने डेवलपर्स चाहिए, कितने डिजाइनर्स चाहिए होंगे, क्लाइंट के एक्सपेक्टेशन क्या है, क्लाइंट के एक्सपेक्टेशंस को फुलफिल करना ताकि क्लाइंट छोड़ करना चले जाए, और ऑडियो कैसे चलेगा, वीडियो पे क्या क्या होगा, मॉडिफिकेशंस क्या होगे, काम का कंट्रोल कैसा होगा, क्वालिटी कंट्रोल के बारे में ध्यान देना। तो ये सारी चीजें एक्सपीरियंस होता है चीफ क्रिएटिव ऑफिसर का, जो कम से कम 10 साल या 10 से ज्यादा साल का एक्सपीरियंस कैरी करता है। तो दोस्तों ग्राफिक डिजाइनर के फील्ड में आप जब शुरू करते हो तो 10 साल होते होते आप एक चीफ क्रिएटिव ऑफिसर बन जाते हो और एक अच्छी पोजीशन पे बन जाते हो। मैं कोशिश करूंगा कि आने वाले वीडियोस में बताऊं कि ये सारे डिजाइनेशन की सैलरी कितनी होती है इंडिया में। तो दोस्तों अगर आप सीरियसली ग्राफिक डिजाइनर में करियर प्लान कर रहे हो तो कम से कम आपको 10 साल देने होंगे इस फील्ड तक पहुंचने के लिए और एक सक्सेसफुल ग्राफिक डिजाइनर बनने के लिए। तो दोस्तों आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें और मुझे कमेंट्स में बताएं कि आपको और किस तरह के वीडियोस देखने हैं। तब तक के लिए दोस्तों गुड बाय।